गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th 12th। जैसा कि सेकंड पेपर में कल आपको हमने नाइट्रोजेनी पूरा पढ़ाया था, इसके बाद एडिंग डलवाई थी, शायद एथेलेमीन क्या एडिंग पढ़ी थी? देखो बेटा, एथेलेमीन ही पढ़ी थी सेकंड पेपर में, क्लास 12th। एथेलेमीन पढ़ाना था शायद, है C2H5NH2 है, निकालो सभी बच्चे। एथेलेमीन कुछ हो गए थे कि नहीं? एथेलेमीन की चार अलग मेथड बनाने की विधि हो, सभी बच्चे डाल लें एथेलेमीन C2H5NH2। शायद बनाने की विधियां चार हो गई थी, C2H5NH2 एथिलेमीन, उसके आगे एक दो विधियां और लिख सकते हो। इसके बाद या तो फिर भौतिक गुण आपको कंप्लीट करवाते हैं, ठीक है? तो हेडिंग सभी लोग बच्चे डालें एथिल एमीन के भौतिक गुण, एथिल एमीन के भौतिक गुण, एथिल एमीन के भौतिक गुण, क्योंकि आपको प्रयोगशाला विधि लगभग चार करा रही है ना, चार हो गई थी बनाने की थी C2H5NH2, तो आज भौतिक गुण से पढ़ाएंगे। डालो एथिलेमीन के भौतिक गुण, देखिए पहला नंबर देखो, एथिलेमीन एक रंगहीन, एथिलेमीन एक रंगहीन, गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, अमोनिया जैसी गंध वाली गैस है, अमोनिया जैसी गंध वाली गैस है, अमोनिया जैसी गंध वाली गैस है। दूसरा, इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका क्वथनांक 19 डिग्री सेल्सियस होता है, 19 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा, यह जल में विलेय होती है, यह जल में विलेय होती है, यह जल में विलेय होती है। अगला, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। लास्ट पॉइंट, यह कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होती है, यह कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होती है। यह कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होती है, पूर्ण विलेय होती है, ठीक। अब हेडिंग आपको सीधे लिखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक पहला नंबर, सबसे पहला नंबर
रासायनिक गुण है इनको जल अपघटन, जल अपघटन। C2H5NH2 क्या बनेगा बेटा बता? C2H5OH एल्कोहल बना ले, प्लस क्या बचा? NH3 अमोनिया। एक दिन में तो पढ़ चुकी दुकान से, बताओ कौन कौन रासायनिक गुण है क्रिया की, बताओ इसके रासायनिक। दूसरा नंबर देखो कुछ नहीं आता, दूसरा नंबर बोले बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक नंबर है, बता सकती हो? कार्बिलेमीन क्रिया, बताओ किससे क्रिया होती, नंबर दो देखो, बोले नंबर दो हेड डालो, इसकी देखो हेड नहीं डालो, कार्बिलेमीन अभिक्रिया। बहुत पेपर में भी पूछता है कार्बिलेमीन अभिक्रिया, क्योंकि एथिल एमीन को क्लोरोफार्म और एल्कोहली के OH के साथ प्रवाहित करने पर प्रवाहित करने पर एथिल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। एथिल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। एथिल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड बनता है। पोटेशियम क्लोराइड बनता है। इस क्रिया को कार्बिलेमीन क्रिया कहते हैं। सुनो, एथिलेमीन C2H5NH प्लस क्लोरोफार्म बोलो CH3 प्लस एल्कोहल के OH के साथ गर्म करने पर C2H5NC 3 CH3 के लगा दो, 3 KCl प्लस NC निकल गए, 3 और 4 और 2 6 H3O प्लस 3 H2O इसका नाम बेटा एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड नोट कर लो, एथिल आइसोसाइनाइड इंपॉर्टेंट हो गया, नोट हो गया। इस क्रिया को अच्छे से पढ़ना बेटा इंपॉर्टेंट है। तीसरी हेडिंग आलो नाइट्रस अम्ल से क्रिया, नाइट्रस अम्ल से क्रिया। सुनो, C2H5NH2 एथिलेमीन प्लस HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके C2H5OH एल्कोहल निकल गया, C2H5OH ठीक है। अब क्या बचा? C2H5OH निकल गए, N बचे 2 प्लस N2 लिख दिया, N बचे 2। अब क्या बचा? O 2 में 1 निकल गया, वो बचा H 5 1 6 H निकल गए, 5 H2OH प्लस क्या लिख दें? H2O नोट कर लीजिए जल्दी से, एल्कोहल नाइट्रोजन और जल लिख लीजिए।
नेस्ट हेडिंग क्या डालो ऑक्सीकरण। सुनो C2H5NH2 एथिलीन का ऑक्सीकरण करना है। क्या करना है ऑक्सीकरण Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 हमने बना दिया CH3CHO C2 हो गए NH527 हैं H4 निकल गए O8 निकल गया N क्या बचे A प्लस NH3 अमोनिया बचे। सुनो दो कार्बन एक ऑक्सीजन एक नाइट्रोजन एक है पांच दो सात हाइड्रोजन पूरे तीन एक चार तीन सात हाइड्रोजन बस। इसका नाम एसीटैल्डी है एसीटैल्डीन हाइड और ये अमोनिया गैस नोट कर एसीटैल्डी है और अमोनिया गैस। नेक्स्ट लिखो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया पांचवी बस एक दो और असाइनमेंट यूज पूरा हो गया। एसिटिल क्लोराइड से क्रिया पांच नंबर आइटम डालो एसिटिल क्लोराइड से क्रिया इससे क्रिया CH3CO CL क्रिया एसिटिल क्लोराइड से क्रिया सभी लोग पढ़ रहे हैं C2H5NH2 एथिलीन प्लस CH3CO CL एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कर रहे हैं बताओ क्या बनेगा C2H5CONH या फिर इसको पहले लिख दो CH3CONH C2H5 प्लस क्या बचा HCl एन अकेले जब लिखा होता बच्चा क्या होता है एन एथिल एक और कर लो बस लास्ट लास्ट एक क्रिया और कर लीजिए लास्ट नंबर हेडिंग डाल लो एस्टिक अम्ल से क्रिया CH3COOH C2H5NH2 प्लस CH3COOH बन जाएगा CH3COOH CH3COOH
इसका नाम एन एप्रिल या ए सीतामा प्लस अमोनिया भी बना सकते हमें सीटामाइड याद करके और वो भी समझा दो CH3COOC2H5 एस्टर भी बन गया प्लस NH3 अमोनिया भी नोट कर लो यूज लिख लो पियो दो पियो तीन लिख लो बस ये नहीं पूरी कंप्लीट C2H5 इतने पहला उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में दूसरा नंबर लिख लीजिए एथिल आइसोसाइनाइड कॉमा एन एथिल एसीटामाइड आदि के निर्माण में ठीक है। बस इसी तरह से एथिल एलिन सब कंप्लीट होता है। जिस बच्चे को जो दिक्कत हो पूछ सकते हैं ठीक है। सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।